जो फ्रांस से सियासी डिस्कशन करनी है, जो सिचुएशन उसके सामने रखना है, फिर आगे लायामल जो है ना एक उसकी एडवाइस के मुताबिक जो है ना बढ़ाएंगे। कोई ग्रुप नहीं है, मुख्तलिफ ऑप्शन डिस्कस होते हैं और फाइनल डिसीजन पानी पीटीआई इमरान खान ने करनी है। हमारा नंबर वन प्लान ये है कि हमने रीजनल कनेक्टिविटी, यानी रीजनल कनेक्टिविटी अफगानिस्तान से ट्रेडिशन कंट्रीज और उनके साथ कैसे अपनी ट्रेड बढ़ानी है, सी पैक में अपना शेयर कैसे जो है ना मैक्सिमम लेना है, जिम्मेदारी डाली है। अवाम ने अपना काम किया है, अभी हमारा इम्तहान है और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि जो अवाम की तवक्कुआत है उस पर पूरे उतरें। और इस वक्त मैं आया हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बुनियादी तौर पर मैंने रिट दाखिल कर दी है कि मुझे इमरान खान के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए और मैं वहाँ जाके उसके साथ जो सिचुएशन है उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। असद कैसे, हुकूमत साजी का अमल शुरू हो चुका है, आप क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी से आपके रबते नहीं है, डिनाई कर रहे हैं आप लोग, MWM से आप डिनाई कर चुके हैं, कौन सी पार्टी है जिसके सिंबल पे आप लोग जाएंगे समझ में? नहीं, हमने कोई डिनाई नहीं किया, हमारे रबते जो है ना मुख्तलिफ लोगों के साथ है और हमारी मशावरत भी हो रही है, क्योंकि हमारी इस वक्त जो है ना बड़ी चेयरमैन उसके साथ हमारा रबता जो है ना उस पर मुश्किल है, तो हमारी ख्वाहिश हमारे आज तो कुछ लायर मिल रहे हैं उधर गए हुए हैं और मैं ख़ुद जो है ना आज यहाँ अदालत में आया हूँ, मैंने रिट दाखिल किया हुआ है और मुझे उम्मीद है अदालत से मुझे अप्रूवल मिल जाएगी, तो मैं फिर जो फ्रांस से सियासी डिस्कशन करनी है, जो सिचुएशन उसके सामने रखना है, फिर आगे लायामल जो है ना एक उसकी एडवाइस के मुताबिक जो है ना बढ़ाएंगे। असल वफाकी गवर्नमेंट जो इमरान खान की सियासत को सिखा रहे थे, उनको सियासत या ख़त्म करना चाह रहे थे, वो दोनों शख्सियात सियासत से खुशदोश हो गए, क्या कहेंगे, कोई राय तो नहीं दिया? देखिए वतुज़ुमन तशा वतुज़ुलुमन तशा, हमें तो कहा गया कि बस इमरान खान की सियासत तो ख़त्म हो गई, इमरान खान को पा रहे थे, देखो करता वही है जो अल्लाह ताला जो ऊपर जो फैसले करते ही वही करता है। हमने हमेशा कहा है कि ये आवाम का हक है कि किसको उसने मैंडेट देना है किसको नहीं देना है, तो अल्लाह ने दिखा दिया कि अख्तियार किसके पास है और आवाम ने अपने आप को दिखा दिया है। मैं सिर्फ दो तीन बातें करना चाहता हूँ। देखें इस वक्त मुल्क जो है ना ये मज़ीद अनार्की और अनसर्टिनिटी अफोर्ड नहीं कर सकती। हमारी ख्वाहिश ये है कि जो हमारा मैंडेट है जो कि फार्म 45 के मुताबिक जो हमारी सीटें जो है ना चोरी की गई हैं, और वो इस तरह नहीं है, वो पूरी मीडिया को मालूम है, वो आवाम को मालूम है, हर एक जानता है कि किधर क्या हुआ है। पब्लिक ने एक डिसीजन बना रहे थे, उधर जो RO जो ना दूसरा मतलब ऑर्डर इशू कर रहे थे, तो जो ROs ने किए हैं वो तो अल्लाह के सामने भी जवाब दे होंगे और कानूनी तौर पर भी हम उसका पीछा करेंगे कि जो उन्होंने अपने अहदे के साथ जो जुल्म किया है और उन्होंने जो उसका मैंडेट था कानून में जो उसका हक था उसने गलत इस्तेमाल किया। असद साहब ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अभी तीन धड़ों में तकसीम हो चुकी है, बताया जा रहा है कि असद कैसर शहराम तरगई का ग्रुप अलग है, आतिफ खान लोग अलग है और गंडापुर का नाम कुछ अलग है, तो आप इसको और बल्कि मुश्ताक गनी का ग्रुप भी अलग बताया जा रहा है। देखिए एक बात मैं बताऊँ, कोई ग्रुप नहीं है, मुख्तलिफ ऑप्शन डिस्कस होते हैं और फाइनल डिसीजन पानी पीटीआई इमरान खान ने करनी है, वो जो भी नाम देंगे कोई इससे आगे पीछे नहीं होगा। ऑप्शन कौन से है? ऑप्शन तो बहुत काफ़ी हैं, वो मैं जिस पे पीटीआई अभी तक मुत्तफिक है खैबर पख्तूनख्वा के, देखिए इस वक्त किसी एक नाम के ऊपर मुत्तफिक नहीं है, मुत्तफिक तब होगी जब खान की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन आएगी। लेकिन मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ, मैं आपके ज़रिए जो है ना अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जिस इलाके से मैं हूँ, क्योंकि कल जो एमल वली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जो कि इस वक्त मुंतखब हुए हैं लोगों ने जो मैंडेट दिया उनके बारे में जो मतलब एक अपनी इनकी एक तोहीन की है कि ये क्या किस किस्म के लोग हैं। नंबर वन, हम जो इधर आए हैं सबसे हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम अपने इलाके की और जहाँ से हम मुंतखब हुए हैं उनकी भरपूर नुमाइंदगी, और हमें पता है कि जिस सूबे से हम ताल्लुक़ रख रहे हैं वो हर लिहाज से जो है ना पसमानदा रखा गया है, उनकी हुकूक का हम जो मैं जब स्पीकर भी था
तो हमने कोशिश की कि जो पसमानदा इलाके हैं उसको कैसे जो है ना मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो खैबर पख्तूनख्वा और ख़ासकर पख्तून जो है वो वार एंड टेरर की वजह से बहुत बुरी तरह मुतासर रहे। हमारा नंबर वन प्लान ये है कि हमने रीजनल कनेक्टिविटी, यानी रीजनल कनेक्टिविटी अफगानिस्तान से ट्रेडिशन कंट्रीज और उनके साथ कैसे अपनी ट्रेड बढ़ाने हैं, सी पैक में अपना शेयर कैसे जो है ना मैक्सिमम लेना है। जो NFC अवार्ड है, जो 18 अमेंडमेंट के मुताबिक जो है ना जो ड्यू शेयर बनते हैं, उस अभी तक जो है ना वो ड्यू शेयर नहीं दी जा रही है, बल्कि जो के मर्जर पाटा मर्जर जुमा है जो उसकी फंड्स कमिट की गए थे वो भी नहीं दी जा रही। और उसकी वजह से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो नेट हाइड्रल प्रोजेक्ट्स हैं, जो इसकी दीगर फंड्स हैं, वो यहाँ रोके गए हैं। इंशाल्लाह हम इसको इंशाल्लाह ताला मेरी प्रायोरिटी होगी कि हम उनकी नुमाइंदगी करेंगे भरपूर तरीके से, और सिर्फ तकरीर नहीं करेंगे, स्टेटिस्टिक के साथ डेटा के साथ इंशाल्लाह ताला अपने इलाकों की नुमाइंदगी करेंगे। पार्लियामेंट में जाएंगे या किसी जमात के साथ मिलेंगे? पहले आप 4 हल्के खोलने का कह रहे थे, अभी आपने कहा कि हमारा कैंडिडेट जो है चोरी हुआ है, तो आप कितने हल्के खुलवाएंगे? वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप साहब ही हैं और आप हमसे ज़्यादा बाखबर हैं, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन फेयर एंड ट्रू है? नवाज शरीफ इलेक्शन हार चुका है और एक हारे हुए शख्स को आप जो है ना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बना रही है, तो इस मुल्क की आवाम की मैंडेट की तोहिन नहीं है? ये जो कुछ कर रहे हैं, देखिए इस तरह ना करें, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये मुल्क हम सब का है, ये आवाम, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये आवाम को ये मैंडेट है कि वो अपनी लीडरशिप चुने। जब अगर नवाज शरीफ जो है ना, अगर नवाज शरीफ को शिकस्त हुई तो अपने शिकस्त तस्लीम करे, उनको अपने मॉरल ग्राउंड लेती हुई शिकस्त तस्लीम करना चाहिए। अभी वो कहते हैं मैं हुकूमत, अच्छा विक्ट्री स्पीच कर रहा है, विक्ट्री स्पीच किस बुनियाद पर कर रहा है? वो 70 सीटों पर विक्ट्री स्पीच कर रहा है, हालांकि इसमें भी आधे उसकी नहीं है। सर आपकी मेजोरिटी तो नहीं है वफाक में, अगर है तो आप इतिहाद किस साथ